हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग एनोनिमस फंक्शंस के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज आगे जब आप फ्रेमवर्क्स वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका, इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है। एनोनिमस फंक्शन ऑल्सो नोन एज क्लोजर्स और लैम्डा अलाउ द क्रिएशन ऑफ फंक्शंस विच हैव नो स्पेसिफाइड नेम। यानी कि आप एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके एक ऐसे फंक्शन का निर्माण कर सकते हैं जिस फंक्शन का कोई भी नाम ना हो। जनरली जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाते समय लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है और उसका नाम नहीं लिखना है। ठीक है, मैं भी एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं थ्योरी में, और फंक्शन कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एनोनिमस फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन बी रिटर्न्ड इन अ फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन को आप एक फंक्शन के रिटर्न के तौर पर भी ले सकते हैं। कैन बी पास इन अ फंक्शन। एक फंक्शन है जिसमें आप एक्सप्रेशन पास करते हैं अभी तक, या फिर कोई वेरिएबल पास करते होंगे, लेकिन अब यहाँ आप इस फंक्शन को यानी कि एनोनिमस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भी किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है इन पॉइंट्स में कि जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि रिटर्न्ड इन अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एनोनिमस फंक्शन को ही रिटर्न कर सकता है, या फिर कोई भी फंक्शन जब पास किया जाता है, जहां उसको कॉल करते हैं और वो पास किया जाता है, तो सिर्फ एनोनिमस फंक्शन को ही पास किया जा सकेगा। इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में वन बाय वन हम लोग देखेंगे टॉपिक में। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम लोग टॉपिक वाइज इन तीनों का डिस्कशन करेंगे। और आई गेस इसी वीडियो में पहला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। सिंटेक्स देख लेते हैं सबसे पहले कि एनोनिमस फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। आप इस तरीके से फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ फंक्शन का नाम नहीं लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है कि जनरली जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ सेमी कॉलन इंड में, यहाँ आप देख पाएंगे इंड में सेमी कॉलन नहीं होता, लेकिन एनोनिमस फंक्शन में आपको सेमी कॉलन देना पड़ता है, बिकॉज ये एक एक्सप्रेशन की तरह काम करता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, और ये पहला जो हमारा ये पॉइंट है ये भी क्लियर हो जाएगा इसी एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो कोडिंग में देखते हैं। सबसे पहले एक मैं आपको नॉर्मल फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाएगा सब कुछ। नॉर्मल फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। नॉर्मल फंक्शन हमारा होता है जिसमें हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, देन फंक्शन का नाम मान लीजिए मैंने लिखा सो, और पैरेंथेसिस होता है, देन कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप यहाँ इको कर लेते हैं, या फिर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना है वो लिखते हैं। इन दिस केस मैं नॉर्मल फंक्शन लिख रहा हूँ, देन सेमी कॉलन। अभी इसको अगर आप सेव करके रन करेंगे तो अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इसका एग्जीक्यूशन तभी स्टार्ट होगा जब आप इसको कॉल करेंगे। तो चलिए इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के साथ इसको हम लोग ऐसे सिर्फ कॉल कर लेते हैं, को तो है ही। कॉल किया मैंने सो, और बिटवीन पैरेंथेसिस इसको सेव करते हैं, और इसको हम लोग रन करते हैं वेब ब्राउज़र में। सो यहाँ रिफ्रेश किया आपने, यहाँ आपको नॉर्मल फंक्शन दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है, यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन होता है लाइन बाय लाइन, तो ये फंक्शन कॉल होता है, यहाँ से कमांड ट्रांसफ़र यहाँ होता है, और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, तो ये एको कर देता है नॉर्मल फंक्शन। इस तरीके से नॉर्मल फंक्शन आपका काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनोनिमस फंक्शन की। एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि सब कुछ लिखने का तरीका तो सेम है, यानी कि ये पूरा फंक्शन आप ऐसे ही लिखेंगे। मैंने कॉपी किया इसको, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और सब कुछ सेम है। बस होता है इसमें यह है कि ये नेम नहीं होता, फंक्शन का नाम यहाँ आप नहीं लिखते हैं। और यहाँ से मैं इसको एनोनिमस फंक्शन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इस फंक्शन में नेम है फंक्शन का, जिससे हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया, लेकिन इसको कैसे कॉल करेंगे आप, बिकॉज इसका तो कोई नाम ही नहीं है। इसको कैसे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसको आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, यानी कि अगर अभी इसको सेव करते हैं, यहाँ सेमी कॉलन होना चाहिए। याद रखिएगा कि नॉर्मल फंक्शन में यहाँ सेमी कॉलन आप नहीं देते हैं, लेकिन एनोनिमस फंक्शन में आपको यहाँ सेमी कॉलन देना पड़ता है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अगर अभी आप इसको रिफ्रेश करते हैं,
तो आपको सिर्फ नॉर्मल फंक्शन ही दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है एनोनिमस फंक्शन, बिकॉज इसको आपने कॉल नहीं किया। तो इसका यूज़ क्या है या फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो इसको यूज़ किया जाता है इस तरीके से कि हम लोगों ने पॉइंट नंबर वन देखा था कि एनोनिमस फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन की तरह काम करता है जिसको आप किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, देन उस वेरिएबल के थ्रू इसको रन कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एनोनिमस फंक्शन को आपको एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। सो ए लिखा मैंने इक्वल, इस पूरे एनोनिमस फंक्शन को थोड़ा सा इंडेंट कर लेता हूँ इसको, इस पूरे एनोनिमस फंक्शन से जो भी आउटपुट आएगा वो असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल में, या फिर ऐसे कहें कि इस पूरे एनोनिमस फंक्शन को आपने असाइन कर दिया है इस वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल को आपको फंक्शन की तरह कॉल करना है जो आपको आउटपुट करके देगा, यानी कि एग्जीक्यूट करके देगा इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा। जैसे कि कैसे करना है इसको कॉल देख लीजिए, कॉल करने के लिए आपको डॉलर साइन ए और इस तरीके से लिखना। इसको सेव करते हैं, देखिए ये है वेरिएबल, बट आप जब इसको कॉल करते हैं तो चूंकि इसके पास एक फंक्शन है इसीलिए पैरेंथेसिस के साथ आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। सो सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ रिफ्रेश करने के बाद अब देखेंगे कि आपको एनोनिमस फंक्शन भी अब दिखाई देने लगा है। ये हमारा पॉइंट नंबर वन था, कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो यानी कि एनोनिमस फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा कि ये हमारा एनोनिमस फंक्शन था जिसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो हमारा पॉइंट नंबर वन यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसी के साथ ये भी क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से आप एनोनिमस फंक्शन आप बना सकते हैं। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं नॉर्मल फंक्शन को, अभी हमें इससे कोई काम नहीं है, हम लोग सिंपली इतना रहने देते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपको एनोनिमस फंक्शन रन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। वेरिएबल स्कोप इन एनोनिमस फंक्शन, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल का किस तरीके से स्कोप यहाँ होता है जब आप एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, हमारा एक मान लीजिए कि y है वेरिएबल जिसे 34 मैंने असाइन किया है। ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है ये, और ये हमारा एनोनिमस फंक्शन यहाँ है। इस एनोनिमस फंक्शन में मैंने पैरामीटर यहाँ दिया हुआ है, आप जैसे कि देख पाएंगे p दिया हुआ है। इसको हम लोग अगर इको करते हैं एनोनिमस फंक्शन और जो पैरामीटर यहाँ दिया गया है उसको भी मैंने साथ में लिखा हुआ है, ये हमारा एनोनिमस फंक्शन बंद, और यहाँ जब कॉल करते हैं तब इस तरीके से आपको लिखना। देखिए इसमें हुआ क्या है वो देखिए, मुझे एक्सेस करना है ये जो ग्लोबल वेरिएबल है 34, इसको मैं इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट इसको वाई लिख देंगे तो उस तरीके से एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग ग्लोबल वेरिएबल हम लोगों ने देखा हुआ है, तो उस तरीके से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एनोनिमस फंक्शन में इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या कीजिए कि इस यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसको आप एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट आप यहाँ इस एनोनिमस फंक्शन में पास कीजिए, देन इसका आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले इसी को सिंपल मैं एक पैरामीटर बना के आपको दिखाता हूँ कि अगर पैरामीटर हो एनोनिमस फंक्शन में तो किस तरीके से आप करते हैं, देन हम लोग ग्लोबल वेरिएबल की बात करेंगे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पैरामीटर बनाया p, अब इस एनोनिमस फंक्शन में चूंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ एक इसको वैल्यू पास किया जाएगा, एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा, तो हम लोगों को जब भी इसको कॉल करेंगे तो यहाँ एक आर्ग्यूमेंट इसको देना पड़ेगा। तो मैं इसको 12 एक इंटीजर वैल्यू आर्ग्यूमेंट के तौर पर देता हूँ जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर लेंगे, यानी कि p कर देते हैं। ये डिस्प्ले होकर हमें दिखाई देगा। देखिए होगा ये कि जब ये कॉल होगा तो ये 12 जो आर्ग्यूमेंट है ये इस पैरामीटर के पास जाएगा और यहाँ से ये डिस्प्ले होकर आपको दिखाई देगा। सेव करते हैं और इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ देखेंगे 12 आपको दिखाई दे रहा है। ये पैरामीटर के साथ, विथ पैरामीटर कह सकते हैं आप, एनोनिमस फंक्शन विथ पैरामीटर ये आप कह सकते हैं। इतना तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक वेरिएबल है, मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल असाइन वेरिएबल बनाया वाई का, इसका मैंने वैल्यू दिया हुआ है 34। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ। अभी मैं ये इसको हटा देता हूँ, ये जो पैरामीटर है इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सिंपली मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको मैं इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मुझे लगता है कि चलो यार इसको यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, सेव करते हैं। ये तो कॉल यहाँ नीचे हम लोगों ने कर ही लिया है तो ये रन करेगा ही।
सेव करते हैं और ये हमें रन का हुआ तो 34 यहाँ रिप्लेस होकर यानी कि ये वैल्यू यहाँ दिखाई देगा। इसको हम लोग रिफ्रेश सेव कर लिया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ एक एरर मिल जाता है कि अनडिफाइंड वेरिएबल वाई यानी कि वाई का स्कोप इसके अंदर नहीं है, आप इस तरीके से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसको पता नहीं चल पा रहा है कि वाई क्या है, इसलिए इसने अनडिफाइंड उसको करार दे दिया। सो ग्लोबल वेरिएबल को आप एनोनिमस फंक्शन के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को एनोनिमस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला तरीका ये है कि इस वेरिएबल को एज अ आर्ग्यूमेंट आप इस फंक्शन को पास कीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए पी, और ये हो देखिए इस वाई में इस वेरिएबल में 34 है और आपने इस वेरिएबल को यहाँ लिखा हुआ यानी कि 34 यहाँ लिखा हुआ, ये 34 अल्टीमेटली जाएगा यहाँ और आप सिंपली इसको इस पैरामीटर का यूज़ करके इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तभी आपको एनोनिमस फंक्शन 34 यानी कि जो आपने पैरामीटर के थ्रू पास किया वो वैल्यू ग्लोबल वैल्यू आपको यहाँ एक्सेस होकर दिखाई दे रहा है। ये पहला तरीका। एक और तरीका है जिससे आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये हमारा सेकंड दूसरा तरीका है किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये पहला ग्लोबल वेरिएबल मेरा वाई 34 मैंने लिखा हुआ है, एक और ग्लोबल वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है R10। मेरा फंक्शन है यहाँ एनोनिमस फंक्शन, मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, पहला जो ये जो वैल्यू होगा मैं पूरा इसको पहले आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक ठीक उसके बाद समझाता हूँ। ये जो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट, ये जो पहला वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, इसको मैंने आर्ग्यूमेंट के थ्रू मैंने पास कर दिया पी के पास, जिससे कि पी ये डिस्प्ले होकर दिखेगा जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वेरिएबल को इस तरीके से यूज़ कीवर्ड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ लिखा मैंने, देन कौन सा वेरिएबल आपको इस्तेमाल करना है वो आप इसके अंदर लिखते हैं, देन इसकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ तक हो जाती है और आप इसको एनोनिमस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो या तो आप इसको पैरामीटर के थ्रू इस तरीके से जैसे पी को किया गया है वैसे पास कर सकते हैं, या फिर आप इस आर को जैसे किया जा रहा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। ओके, सो ये पहला तरीका था जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल को एज अ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट आप इस्तेमाल करके इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका देखेंगे जिसमें हम लोग यूज़ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना सीखेंगे। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जो हम लोगों ने पीपीटी में देखा वही रखते हैं और इसका वैल्यू भी वही रखता है यानी कि 10 रखते हैं। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को मुझे इसके अंदर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ये हटा देते हैं, ये यहाँ नहीं लिखना है, पैरामीटर हमें चाहिए ही नहीं, हम ये दूसरा तरीका देख रहे हैं। सिंपली क्या करना है कि इस फंक्शन के सेंटेक्स के कंप्लीट होने के बाद यानी कि पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ आपको यूज़ लिखना है और कौन से ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम, मेरे केस में आर है तो मैंने आर लिख दिया। उसके बाद यहाँ आप इसको एक्सेस आराम से कर सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए और इसको रिफ्रेश करके यहाँ आप देखिए आपको यहाँ एनोनिमस फंक्शन आर का वैल्यू जो कि 10 है दिखाई देता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला जो नोट है वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पैरेंथेसिस नहीं देते हैं, डायरेक्ट फंक्शन लिखा देन यूज़ लिखा और वेरिएबल का नाम जिसको एक्सेस करना है, वैसा नहीं करना। फंक्शन का जो अपना सिंटैक्स होता है उसको आपको लिखना ही पड़ेगा यानी कि पैरेंथेसिस आपको यहाँ देना है, उसके बाद ही आपको यूज़ और वेरिएबल का नाम लिखना है, तभी आपका सिंटैक्स क्लियर होगा, मतलब करेक्ट होगा, अदरवाइज आपको एरर मिल जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर इस यूज़ कीवर्ड का इस्तेमाल करके। अब दोनों को साथ में मिलाते हैं जो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, यानी कि एक वाई वेरिएबल बनाते हैं और इसको असाइन कर देते हैं 34, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब इस वाई को मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करता हूँ जो कि यहाँ इस पैरामीटर को मिलेगा यानी कि पी लिख देते हैं, और यहाँ इसको भी अब आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि मैंने दोनों को यानी कि इस ग्लोबल वेरिएबल को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है इस एनोनिमस फंक्शन के पास, और इस ग्लोबल वेरिएबल को मैंने यूज़ कीवर्ड के द्वारा इसके लिए अवेलेबल करवाया, यानी कि दोनों को
दोनों ही तरीके को मिक्स करके भी आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ सेमी कॉलन नहीं दिया। तो इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो ये अभी हमें सही आउटपुट मिल रहा है 10 और 34। ओके, सो बस इस बात का ध्यान रखना है और आपका सब कुछ क्लियर है। यहाँ हम लोगों ने इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं बिकॉज ये बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 जो था, यानी कि वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, उसको क्लियर किया है। साथ में ग्लोबल वेरिएबल को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं अपने एनोनिमस फंक्शन के अंदर, उसको भी देखा है। इस प्रॉपर्टी के कारण यहाँ जो ये अवेलेबल होता है इस फंक्शन के अंदर, इसके कारण इसको क्लोजर फंक्शन भी कहा जाता है, यानी कि एनोनिमस फंक्शन को क्लोजर फंक्शन भी कहा जाता है। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इसी एनोनिमस फंक्शन के एक और टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।